नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, सिरसा के लिए डेरा विवाद एक ऐतिहासिक विवाद रहा, जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा। खासकर डेरा मुखी को लेकर, जो इस समय सोनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन इस समय की जो सुर्खियां हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। डेरा मुखी द्वारा कृषि कार्य के लिए मांगी गई है पैरो। पुलिस व प्रशासन फूंक फूंक कर रख रहा कदम। राजस्व विभाग से मांगी गई है गुरमीत की जमीन की रिपोर्ट। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। रिपोर्ट मिलने के बाद जवाब दिया जाएगा। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। साध्वी यौन शोषण मामले में और छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम द्वारा कृषि कार्य के लिए पैरोल मांगने को लेकर के पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और हालांकि प्रशासन ने जो कृषि भूमि है उसका ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। साध्वी यौन शोषण और छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहे डेरा मुखी राम रहीम द्वारा कृषि कार्य के लिए पैरोल मांगी गई है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था और कृषि भूमि का ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। एसपी अरुण सिंह ने एसआईटी सहित एसएचओ सदर और एसएचओ सिटी को रिपोर्ट तैयार करने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि एसआईटी ही पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष तैयार कर एसपी को सौंपेगी। डेरे से संबंधित मामलों की जांच एसआईटी कर रही है। ऐसे में एसआईटी ने राजस्व विभाग को डेरा सच्चा सौदा और डेरा प्रमुख की कृषि भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के लिए कहा है, जिससे ये पता किया जा सके कि डेरा मुख सच्चा सौदा प्रमुख के पास कितनी कृषि योग्य भूमि है या उनके पास कोई कृषि भूमि है भी या नहीं। राजस्व विभाग ने भी डेरे की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। अगर राजस्व विभाग के सूत्रों की माने तो डेरा या ट्रस्ट की जमीन को डेरा मुखी राम रहीम की व्यक्तिगत भूमि नहीं मानी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के पास करीबन 800 एकड़ जमीन सिरसा में है, जिसमें से करीबन 250 एकड़ जमीन कृषि योग्य है और इसमें से कुछ रिसर्च सेंटर के नाम पर भी है और कुछ ऐसी जमीन है जो डेरा प्रमुख के नाम है। इस प्रकार से पुराने डेरे के पास 25 एकड़ भूमि है, जिसमें से कृषि योग्य भूमि लगभग 10 एकड़ है। इसके अलावा भी पंजाब बीकानेर में भी डेरे के पास काफ़ी भूमि है। सोनारिया जेल के अधीक्षक ने इस संबंध में सिरसा के उपायुक्त से एक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इस पत्र में लिखा गया है कि कैदी गुरमीत सिंह का जेल का आचरण बहुत अच्छा है और उसने जेल में कोई अपराध भी नहीं किया। अब जिला प्रशासन और डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेकर के अपनी अनुशंसा सौंपनी है। इसके अलावा प्रशासन को यह आकलन भी करना होगा कि डेरा प्रमुख की पैरोल के लिए अनुशंसा की जाए या नहीं। वहीं डीएसपी जो एसआईटी के हैं, राजेश कुमार ने बताया कि राजस्व विभाग से डेरा सच्चा सौदा की कृषि योग्य भूमि का रिकॉर्ड मांगा गया है। अभी रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर के भी विचार किया जा रहा है। भूमि का रिकॉर्ड व अन्य जानकारियां आने के बाद ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि राम रहीम को सीबीआई कोर्ट द्वारा 25 जुलाई 2017 को दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया गया था, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने 28 अगस्त को दोनों मामलों में उन्हें 10-10 साल की कैद और 15-15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं इसके अतिरिक्त सांध्या दैनिक पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में भी सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया था। हत्या के इस मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को आजीवन कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया था। इसके अलावा भी डेरा प्रमुख पर दो केस मामले कोर्ट में ट्रायल पर हैं, जिसमें एक चरणजीत सिंह हत्या तथा दूसरा डेरा प्रेमियों के अंडकोश निकालने का है। इन दोनों ही संगीन मामलों में अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इसके साथ साथ आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। इसमें अभी उन्होंने 42 दिन की एक पैरोल मांगी है कृषि कार्य हेतु। तो कृषि कार्य के बारे में जानकारी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे राजस्व विभाग से ली जाएगी, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमने जैसे कंसर्न जो SHO हैं सिटी और सदर, उन दोनों को लिख दिया था और उन्होंने नीचे संपर्क किया है, शायद आज रिपोर्ट सुन के आ जाएंगी, तो उसके आधार पर फिर अगली रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे। सर, सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस अपनी तरफ से क्या जवाब रखेगी?
दरअसल सुरक्षा लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो हो सकती है, क्योंकि उस टाइम जब इनका कन्विक्शन का जो ऑर्डर आया था तो उस टाइम पे जैसा कि आपको पता है कि पंचकुला में और सिरसा में और कुछ हिस्सों में पंजाब में और हरियाणा में बहुत जगह इस तरह की इंसिडेंट्स हुए थे, तो वो सब देखते हुए उसी हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाएगी। अभी वर्तमान स्थिति क्या है वो सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे।